मॉडिफिकेशन, तो मॉड वैल्यू में जैसे यहाँ पर 8 है वो 27 टाइम्स आया, यदि यहाँ पर 7 एंड 8 दोनों की पुनरावृत्ति 27 टाइम्स होती तो मॉड क्या होता। इसी तरह से यहाँ पर मीडियन जो है उसमें भी ऐसी प्रॉब्लम है कि यदि दो यहाँ अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवन होते, जैसे अभी हमने 99 साइज ली थी तो अपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑड थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब ऑड होते हैं तो मीडियन उनके बीच वाला हो जाता है। जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं तो फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट को छोड़ दो, सेकंड वाला मीडियन हो जाता है। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ को छोड़ दो, थर्ड वाला मीडियन हो जाता है। यहाँ पर हम जो काम में ले रहे हैं ये सी प्रोग्रामिंग है। सी प्रोग्रामिंग में मिडल वाला मतलब हम यदि 3 साइज ले रहे हैं एरे की तो एलिमेंट्स होंगे 0 फर्स्ट एंड सेकंड, 0 शून्यवा पहला और दूसरा, तो हम शून्यवा और दूसरे एलिमेंट को छोड़ देंगे, फर्स्ट एलिमेंट है वो मीन हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा, और उसकी कैलकुलेशन के लिए हम 3 में 2 का भाग दे देंगे। ऐसे ही यदि 5 एलिमेंट हैं तो 0, 1 को छोड़ देंगे, 3, 4 को छोड़ देंगे, 2 नंबर पर 2 नंबर पर जो एलिमेंट है वो मीडियन हो जाएगा, और 5 में 2 का भाग दें तो इंटीजर डिवाइडेशन में 2 ही 5 में 2 का भाग देने पर 2 भागफल होता है, 1 शेषफल होता है, तो हम आसानी से मिडिल वैल्यू को निकाल लेते हैं। लेकिन यदि नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं इस तरह से इवन है तो मीडियन क्या होगा, तो मीडियन वहाँ जो बीच में 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका माध्य होगा, उनका उनको दोनों को ऐड करके 2 का भाग देने पर जो वैल्यू आती है वो मीडियन होता है। तो वो करेक्शन इसी प्रोग्राम में कैसे करें, तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मीडियन वाली करेक्शन के लिए पहला तो हम साइज को चेक करेंगे कि साइज में 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। यदि 2 का भाग नहीं जा रहा है इसका मतलब एरे है वो इवन एरे है, ओड एरे नहीं है, ओड एरे है इवन एरे नहीं है। उस केस में जो मीडियन है वो पहले की तरह ही साइज बाय 2 नंबर पे जो एलिमेंट है उसको हम प्रिंट कर देंगे और एरे जो है सॉर्टेड एरे जो है उसका मीडियन हमें मिल जाएगा। अदरवाइज यदि ओड नहीं है इसका मतलब वो इवन एरे है, तो इवन एरे है उस केस में हम साइज बाय 2 एलिमेंट देखने की बजाय साइज बाय 2 में से एक कम करेंगे और साइज बाय 2 पर जो एलिमेंट है उन दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे और ऐड करके उनमें 2 का भाग दे देंगे। इसी तरह से मोड की बात करें, मीडियन हो गया तो मीडियन के बाद मोड की बात करें, तो मोड में यदि एक ही नंबर था मोड वैल्यू तो हम उसको प्रिंट कर रहे थे, लेकिन अब हम क्या करेंगे फंक्शन में थोड़ा सा प्रिंटिंग में चेंज करेंगे और जहाँ जहाँ लार्जेस्ट वैल्यू है वो फ्रिक्वेंसी से मैच हो रही है उन सभी वैल्यूज को प्रिंट करेंगे। एक ही प्रोग्राम के बहुलक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, जिनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आई है और वो संख्या एक से ज़्यादा है तो हम उन सब को प्रिंट करेंगे। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पर इस एरे में कुछ चेंजेज करने होंगे तो पहले हम एरे में चेंजेज कर लेते हैं। और पहले सिर्फ मोड वाले मीडियन वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, तो यहाँ पर कुछ चेंजेस किए हैं वो चेंजेस बता देता हूँ। तो सबसे पहला काम किया है जो
एरे साइज है उसको 100 कर दिया है, क्योंकि जब एरे साइज 99 थी तो साइज इवन नहीं था, हमें इवन वैल्यू के लिए देखना है, तो साइज को 100 कर दिया। उसके बाद में जो एरे थी उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स में भी यह था कि यदि वो ओरिजिनल एरे लेते तो उसमें नंबर ऑफ 7 है वो इतने ज़्यादा थे कि 48, 49, 50, 51, 52 पोजीशंस पे 7 ही 7 आ रहे थे, इसलिए कुछ 7s की जगह 8 कर दिए गए हैं। तो अब जो दो नंबर आ रहे हैं वो उत्तरोत्तर नंबर एक के बाद जो सॉर्टेड एरे में आएंगे वो 7 के बाद में 8 आएगा, और मीडियन 7 और 8 का के बीच में कुछ होना चाहिए। ये दो चेंज किए हैं। तीसरा चेंज मीडियन नाम का जो ये फंक्शन है उसमें किया है, उसमें ये कर दिया है कि यदि साइज में 2 का भाग जाता है, नहीं जाता है तो वो उसी तरह से प्रिंट करे जैसे पहले प्रिंट कर रहा था। यदि साइज में 2 का भाग जाता है तो यहाँ पर साइज बाई 2-1 नंबर पर जो एरे एलिमेंट है और साइज बाई 2 नंबर पर जो एरे एलिमेंट है उनको दोनों को ऐड करे, ऐड करके उनकी फ्लोटिंग वैल्यू मतलब रियल मान के उनमें 2 का भाग दे दे और इसको प्रिंट करे। चेक कर लेते हैं। प्रोग्राम को कंपाइल किया, रन किया, यहाँ रन करने पर हमें 45 और 50 नंबर पे 45 नंबर पे 7 है, 50 नंबर पे 8 है, तो इन दोनों का एवरेज मीन मीडियन के रूप में मिलना चाहिए और 7 और 8 को ऐड करके 2 का भाग देने पर 7.5 आता है। फिर से देखें तो अब हम चेंज करते हैं मेन फंक्शन में, तो यहाँ एरे अब फिर से अलग ले रहा हूँ क्योंकि पिछली एरे में 8 सबसे ज़्यादा बार आ रहा था और फिर 8 को ही हमने बढ़ा दिया। तो अब जो एरे ले रहा हूँ उसमें वापस ऐसी एरे ले रहा हूँ जिसमें 7 और 8 की संख्या इतनी हो गई है कि 7 और 8 बराबर संख्या में है। और अब हम देखते हैं मोड, तो मोड देखने के लिए मीडियन को कमेंट कर देते हैं और मोड को अनकमेंट कर देते हैं। अब मोड में देखते हैं मोड में क्या चेंज किया है, तो मोड नाम का फंक्शन जो है उसमें और कोई खास चेंज नहीं है, उसमें प्रिंटिंग के जगह यहाँ पर हम एक लूप लगा के उन सब वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं जिनकी वैल्यू लार्जेस्ट के इक्वल है, मतलब जो जो वैल्यूज सबसे ज़्यादा बार आई हैं उनको सबको प्रिंट कर रहे हैं और कोई चेंज इसमें नहीं है। प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं, कंपाइल सक्सेसफुली हो गया और रन करने पर हम यहाँ देख रहे हैं कि 7 और 8 की पुनरावृत्ति बराबर हुई है, 25-25 बार हुई है। जब प्रोग्राम ने ये प्रिंट कर दिया कि जो मोड है उसकी वैल्यू 7 और 8 है जो 25 बार आए हैं।